हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे पनीर मक्खन वाला। ये पंजाब की बहुत ही फेमस डिश है। ये बहुत टेस्टी और यम्मी बनती है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करना। घर पे बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। इसको आप चावल, चपाती, नान या पराठे के साथ ले सकते हैं। इसके लिए पहले मैंने पनीर के टुकड़ों को कट कर लिया और उसके ऊपर रेड चिली, नमक और थोड़ा सा मैदा छिड़क कर आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया। जब भी अच्छे से मैरिनेट हो गया तब एक तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर हल्का सा सौते कर लिया ताकि मसाला अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। अब मिक्सर ग्राइंडर में काजू, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज और थोड़ी सी रेड चिली को पानी की मदद से पेस्ट बना ली। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करने के लिए रख दिया। जब घी अच्छे से गर्म हो गया तो ये मैंने पेस्ट इसके अंदर डाल दी। अब थोड़ा सा नमक, रेड चिली, हल्दी, धनिया और गरम मसाला डालकर इसको अच्छे से चला लिया। जब हमारी कढ़ाई घी छोड़ने लगी तब समझिए कि आपकी इसकी ग्रेवी रेडी है। अब हम इसके अंदर इस पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे। तो तैयार है हमारा पनीर मक्खन वाला। है ना बहुत आसान ये रेसिपी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया से गार्निश करेंगे और पराठे के साथ सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही यम्मी है और बच्चे बूढ़े सबको बहुत ही पसंद आती है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।